अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन वाइट पुलाव बनाएंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाएगी। चले आएँ रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी 1 kg राइस और 1 kg चिकन में बन रही है, बहुत ही आसानी तरीके से बताऊँगी, हर कोई बिगनर सब ईजीली बनाने में। सबसे पहले ऑयल में जो है हम खड़े गर्म मसाले को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, 1 से 30 सेकंड तक इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम बारीक कटी हुई 1 medium साइज़ की जो है वो प्याज शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसको पूरा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका जो है इसको हल्का सा ब्राउन कलर देंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर इसको नहीं देना है। प्याज फुल ब्राउन हो जाएगी तो आपके चावलों का कलर ख़राब हो सकता है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए कच्ची पक्की सी ब्राउन हुई है पूरी। इसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 1 cup के बराबर दही शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा हम हल्का सा उसका थोड़ा सा पानी जो है वो उसका ड्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 kg के करीब जो है वो चिकन ऐड कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद है इसमें अभी हमने कोई भी मसाले नमक वगैरह ऐड नहीं किए हैं। चिकन को फ्राई करने के बाद हम 1 by 1 करके डालेंगे। अब 1 tablespoon हमने इसमें सॉल्ट डाले, 1 tablespoon इसमें में जो मैंने सफ़ेद मिर्चें जो होती हैं वो उसका पाउडर डाला है और इसको दोनों चीज़ें डाल के पहले इसको अच्छे से चिकन को भून लेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसके अदरक लहसुन के साथ मिलकर इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 tablespoon इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने हरा धनिया हरी मिर्चें शामिल करके इसको हल्का सा हम पका लेंगे। 2 medium साइज़ के टमाटर शामिल करके इसको भी पका लेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको सब चीज़ों को हमने पकानी है। वन टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है और 1/2 cup अगेन इसमें मैंने जो है वो दही शामिल किए और अच्छे से सब चीज़ों को भून लेंगे ताकि सब में चिकन में अच्छा सा सब चीज़ों का टेस्ट आ जाए। ऑयल निकलने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 glass पानी डाल के इसके गल जाने तक इसको स्टीम में हम पका लेंगे अच्छे तरीके से। स्टार्ट में मैंने प्याज इसलिए फुल कुक नहीं की थी, अगर आप प्याज को ज़्यादा कुक कर देंगे तो आपके चावल का कलर वाइट नहीं आएगा और ब्राउन से शेड में चले जाएंगे। वाइट पुलाव में हमेशा जो है प्याज फुल ब्राउन नहीं होती है। चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब अच्छी तरीके से इसमें यखनी में टेस्ट आ चुका है चिकन का भी और सारी चीज़ों सारे मसालों का। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और हमने पानी इसमें इतना ऐड किया था स्टार्ट में ताकि इसमें यखनी भी बन जाए और इसी पानी में हमने चावल को फुल कुक करना है। पानी डालते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पानी आपको इतना ही डालना है कि चावल इसमें गल जाएं, ना इसमें ज़्यादा हो और ना ही कम हो। अब हमने दम दे दिए है चावल में, अच्छी सी बहुत सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब चावलों को हम मिक्स कर लेते हैं, इसका लुक देखें। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब तरफ से। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही तरफ। बहुत आसान सी रेसिपी, आप लाजमी ट्राई करें, ये बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी है। कम मसालों में
ज़्यादा टेस्टी पुलाव ये हमारा बनके रेडी हुआ है। आप लोग भी ये रेसिपी फॉलो करके ज़रूर मुझे बताएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब हम इसमें दम दे देंगे। 5 मिनट दम देने के बाद हमारे जो चावल फूल को खो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही कम मसालों में देखें आपके सामने बनके ये रेडी हुआ है, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आपको थोड़ा सा दिख मिर्च और स्पाइसी पसंद है तो आप इसके साथ अलग से रायता बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये पुलाव की आसान थी झटपट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।